देखिए, जितनी एम सी क्यूज अल्केन के टॉपिक पे आई हैं सारे एम डी कैट ई कैट में, फाइंड द कंपाउंड विद द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट अमंग द फॉलोइंग। तो नॉर्मल हॉक्टेन, याद रहे बॉइलिंग पॉइंट नंबर ऑफ कार्बन बढ़ने से ज़्यादा होता है। अब आप बोलेंगे सर आइसो ऑक्टेन में भी तो 8 कार्बन है, लेकिन ब्रांच आएगी तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। फिर कह रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ एन अल्केन फ्रॉम रिडक्शन ऑफ एन अल्काइल हैलाइड विद जिंक इज नोन एज डैश रिएक्शन। तो ये रिएक्शन कहलाता है फ्रैंकलिन। फाइंड द करेक्ट ऑर्डर फॉर द ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। तो जनाब 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। बॉन्ड एंगल बिटवीन एस सी सी बॉन्ड्स इन इथेन इज 109.5 डिग्री। फिर है पैराफिन वैक्स इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये पूछा था सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड। अल्कीन अंडर गो हेलोजिनेशन, इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ डैश रिएक्शन। तो ऑफ कोर्स फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। विच ऑफ फॉलोइंग इज मोस्ट वॉलाटाइल कंपाउंड। तो करेक्ट आंसर है 2,2 डायमिथाइल प्रोपापेन। अल्कीन की एमसीक्यूज में विच ऑफ फॉलोइंग इज अमंग इन अल्कीन, कौन सा रिएक्शन होता है? तो जी एडिशन होता है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज एग्जिबिटेड बाय ट्यूबेटेन ब्यूटीन बुटाइन। तो ऑफकोर्स ब्यूटीन में होता है, अल्कीन में ही होता है, बाकी सब तो अल्केन अल्काइन है। फिर कह रहे हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज एग्जिबिटेड बाय अल्केन, ठीक है। फिर सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म इन अल्केन इज ड्यू टू रिस्ट्रिक्टिव रोटेशन ऑफ डबल बॉन्ड, फ्री रोटेशन या चिरल, यानी 4 कार्बन के साथ 4 वैलेंसी अलग। तो है रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट डबल बॉन्ड। फिर है इथाइलीन ब्रोमाइड ऑन ट्रीटेड विद जिंक गिव्स। तो करेक्ट आंसर है अल्कीन। फिर फाइंड द अल्कीन विद मैक्सिमम स्टेबिलिटी। तो ट्रांस टू